अनुरति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 230 में स्वागत है आपका। आज हम देखने जा रहे हैं दशमांश, बिल्कुल लग्न के जैसी दिखेगी, ऊपर D10 लिखा होगा। इसमें जो देखा जाता है 10th हाउस कैरियर, नौकरी और आजीविका कैसी रहने वाली वो देखी जाती है। दशमांश का सबसे पहले तो आप देखना है तो लग्न देखें, लग्न का स्वामी कहाँ पर है, दृष्टि कहाँ पर है। 10th हाउस को देखें, 10th हाउस योग कारक है, मारक है। दशमांश पर दृष्टियाँ देखें, डिग्री देखें, दोनों जगह सेम रहेगी। सरकारी नौकरी, शनि सरकारी नौकरी का कारक है, शनि कैसे हैं, त्रिक में तो नहीं है। बुध बिजनेस का कारक है, बुध तीसरे छठे आठवें बारहवें में देखें। सूर्य भी बिजनेस का कारक है, तो आपको 10th D10 में ये देखना है। फिर लग्न पर शनि दशम भाव में, शनि स्ट्रांग है तो नौकरी करेंगे, बुध सूर्य है तो बिजनेस हो सकता है। तो मतलब 10वें घर में अगर शनिदेव हैं, ठीक है, तो नौकरी 10वें घर में सूर्य और बुध हैं तो बिजनेस दे सकते हैं। दशमांश में D10 में अगर D10 अगर कमज़ोर है तो बिजनेस प्रोफेशन में प्रॉब्लम देगा। उपाय आपको लग्न के हिसाब से ही करना है। तो दशमांश में जो हम बेसिक देखते हैं वो क्या देखते हैं कि नौकरी कैसी है, बिजनेस कैसा है, व्यापार कैसा है। तो सबसे पहले लग्न में देख लें, शनि नौकरी के कारक हैं। शनि के अलावा जो मैं अगला ग्रह बता रहा हूँ, सूर्य और बुध बिजनेस के कारक हैं। तो सूर्य सरकारी नौकरी का भी कारक है। मेनली शनि को अगर देखें तो अच्छी नौकरी कराता है, सूर्य बहुत अच्छी टॉप लेवल की नौकरी देते हैं, शनि भी नौकरी देते हैं, लेकिन बुध और सूर्य थोड़ा बिजनेस की ओर भी ले जाते हैं। तो बुध है अगर यहाँ पर 10वें घर में तो बिजनेस, बुध नहीं है तो वहाँ पर आपका फिर नौकरी। 10th हाउस में किस किस की दृष्टियाँ पड़ रही है, 10th हाउस का लॉर्ड खुद कहाँ पर बैठा है, दोनों जगहों पर। D1 का 10th हाउस का लॉर्ड D10 में कहाँ है, D10 का 10th हाउस का लॉर्ड D1 में कहाँ, ये सब आपको कंपेयर करना है। अगर वो अच्छी स्थितियों में है तो नौकरी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर ये जैसे D10 का D1 में लॉर्ड कहाँ पर है वो ख़राब है, तो नौकरी में फिर क्या आपको दिक्कतें आना है, क्या आना है, वो सारी चीज़ों का इंडिकेशन होता है। तो दशमांश से जो बेसिक देखा जाता है वो बिजनेस प्रोफेशन नौकरी, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो दशमांश यानी D10 230, ये था आपका। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।